हेलो एवरीवन, मैं मोहम्मद सलीम हूँ। और अभी सिर्फ साइक्लिक पाथवे जो होता है फोटोसिंथेसिस में, एक नॉन साइक्लिक होता है ना, जिसमें ना वो जेड स्कीम वगैरह कवर होती है, एक साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो का कंसेप्ट भी है। ये हम सिंपल थोड़ा डायग्राम इसके डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, जिसको P700, इसी में ही होता है। लाइट पड़ती है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, ऊपर जाते हैं, वहाँ से ए नॉट पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, और ये यहाँ से A1 पे, फिर ये आयरन सल्फर प्रोटीन में जाएगा, फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा फेरिडॉक्सिन में, फिर साइटोक्रोम B6F में, फिर प्लास्टोसियानिन में जाएगा, फिर करते करते दोबारा P700 पे इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा। तो ये इसको बोलते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, क्योंकि ये देखो पूरी कवर हो चुकी है साइकिल। तो ये जो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है, इट रिमेन सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी चल रही है इस पर, ठीक है ना। बहुत सारे पाथवेज प्रपोज हुए हैं इसको एक्सप्लेन करने में। एक पाथवेज के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है फेरिडॉक्सिन से निकलते हैं, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट बना देता है, और उससे क्या होता है फिर दस ATP भी बनती है उससे, ठीक है ना। लेकिन कोई NADPH नहीं बनता, ठीक है ना। फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट से, ठीक है ना, ये दोबारा फिर आर रिटर्न फ्रॉम फेरिडॉक्सिन टू P700, फिर यहीं पे आ जाते हैं वाया साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के थ्रू। थैंक यू वेरी मच।